ज्योतिर्लिंग को, एक मिनट, ज्योतिर्लिंग को पोहारा कहेंगे रे? किसी दरगाह को, अजमेर शरीफ को कोई गलत बात करे सबसे पहले बिट्टा खड़ा होगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ज्योतिर्लिंग का अपमान हो, कोई इसको पोहारा कहे। कहने वाले को चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के द्वारा 1-to-1 आ जाए पोहारा कैसे होता है। देखो मंदिर में नमाज का क्या काम? अगर ये किसी पीर पैगंबर की जगह है, अगर अजमेर शरीफ की तरह किसी महान पीर पैगंबर की जगह है तो पढ़नी चाहिए, जब है ही नहीं तो कैसे पढ़े। ये पकड़िए, आज जो मेरे आने का मेन मकसद, मैं आगे भी आता हूँ वाराणसी ने, हर हर महादेव के चरणों में आता हूँ, पूरी देश में जाता हूँ। आज मेरा आने का मकसद ये है कि राम जी की कृपा से, भोले शंकर जी के कृपा से, ज्ञान बापी जो हमारा मंदिर का जो रोज चर्चा का विषय बना है, ये जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी इसके ऊपर फैसला आएगा। और मेरा खास तौर पे अपने मुस्लिम भाइयों को हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि सेकुलरिज्म का सबूत दें। ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, मथुरा और कांची इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो सेकुलरिज्म का सबूत दें। यहाँ मंदिरों का अपमान हुआ है, काफिर बाबर के समय में, जालिम औरंगजेब के समय में मंदिरों का अपमान हुआ है, पूरे देश के कोने कोने पे अपमान हुआ है। बाबर काफिर था, बाबर जालिम था, बाबर वो था जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब वो था जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादों को नियों में चनवाया था, औरंगजेब वो था जिसने गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में उनको शीश देना पड़ा, हजारों सिख समाज के लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी, मंदिरों का अपमान हुआ, धर्म का परिवर्तन हुआ। ये मुस्लिम कौम के हम खिलाफ नहीं है। अगर आज अजमेर शरीफ की तरह कोई दरगाह होती, पीर पैगंबर के हम खड़े होते वहाँ पे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मंदिरों का अपमान हुआ है, इसके ऊपर मुस्लिम समाज से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि सेकुलरिज्म का सबूत दें। ज्योतिर्लिंग था, ज्योतिर्लिंग है, और जितनी देर तक दुनिया रहेगी उसके बाद भी रहेगा, और इसके बाद काशी, मथुरा और काशी, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया मथुरा और काशी, और ये एक मिनट, और ये काफिर बाबर ने तोड़ा था, ये औरंगजेब जालिम ने पंजाब के अंदर सिख कौम के ऊपर अत्याचार किए थे। और ओबीसी को कहना चाहता हूँ, ओबीसी तुमने औरंगजेब की मजार के ऊपर जा करके सिख कौम के वो खूनी इतिहास के पन्नों को खोलने की कोशिश की है, इतिहास के पन्नों को, खूनी पन्नों को खोलने की कोशिश मत कर। ये मैं ओबीसी को कहना चाहता हूँ, औरंगजेब जालिम था, औरंगजेब जालिम है, सदियों सदियों तक उसको जालिम और काफर और बाबर को कहते रहे। बाहर आ रहे हैं, आप भी चैनलों पे देखे होंगे, उसको देखे क्या लग रहा है आपको? नहीं, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, मंदिर का अपमान हुआ, एक मंदिर का अपमान हुआ, मंबर बाबर औरंगजेब के टाइम के मंदिरों को तोड़ा गया। हम किसी मुसलमान कौम के खिलाफ नहीं है, बस इतना मेरे मुस्लिम समाज के गुरु ये बता दें, बाबर और औरंगजेब कौन थे? क्या शहादत हुई थी? क्या गुरु अर्जन देव जी के साथ हुआ था? क्या गुरु गोबिंद सिंह जी के दो साहबजादों को नियों में चिनवाया गया था? वो तो मुसलमान कौम के ऊपर कलंक थे दोनों, जैसे पंजाब के अंदर खालिस्तानी कलंक थे जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था, हमारे ऊपर भी बम चले थे, ये भी उसी तरह कलंक थे। देख के क्या लग रहा है, ये शिवलिंग ही है जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं? क्या ट्यूनिंग, क्या शिवलिंग? शिवलिंग जो जो वीडियो वो तो है, आप कैसे सवाल पूछ रहे? फवारा कह रहा, कौन फवारा? मुस्लिम पक्ष कह रहा वो फवारा, जो जो कह रहा उसकी ऐसी की तैसी, उसको कहना मेरे से बहस कर जो फवारा कर रहा है को, हम अजमेर शरीफ जाते हैं, अजमेर शरीफ को गलत बात कह के दाए बिट्टा सबसे पहले खड़ा होगा, सबसे पहले खड़ा होता होगा। जो कहता ना पुहारा, उसको मेरा चैलेंज है, मुझ में रोड़ के कहता मेरे साथ चैलेंज कर, पुहारा कैसे कहते हैं सारा, वो ठीक करके रख देंगे उसको। अरे ज्योतिर्लिंग को, एक मिनट, ज्योतिर्लिंग को पुहारा कहेंगे रे? किसी दरगाह को, अजमेर शरीफ को कोई गलत बात करे सबसे पहले बिट्टा खड़ा होगा।
तो आप यही चाहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ज्योतिर्लिंग का अपमान हो, कोई इसको पुहारा कहे। कहने वाले को चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के द्वारा, वन टू वन आ जाए पुहारा कैसे होता है। अरे जो भी है, बाबरी तो खो गई लेकिन ये वाली मस्जिद नहीं। अरे बाबरी तो खो गई, बाबर था कौन? क्या बाबर काफर नहीं था? बता दे, क्या औरंगजेब काफर नहीं था, जालिम नहीं थे? क्या गुरु गोविंद सिंह थे? क्या साहिबजादों को नियों में नहीं चिनवाया गया था? एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल, छोटे बच्चों को क्या गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक हिंद की चादर क्या शीश नहीं दिया था इस राष्ट्र के लिए? हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, मजलूमों की रक्षा के लिए किया था। सरकार से लेके शासन और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उसको लगातार वो सुदृढ़ भी कर रहे हैं, अफसर भी सड़कों पे हैं, लेकिन वैसी जिस तरह की बात करके अरे वो आपका बनाया हुआ नेता ओबीसी के पल्ले क्या, कितनी सीटें ले गया यूपी के अंदर बताओ? अरे मेरी बात का जवाब तो दो ना, कितनी ले गया बंगाल? वो तो आपका बनाया हुआ लीडर है, मीडिया का लीडर है, उसके पल्ले क्या है ओबीसी? मैं तो ओबीसी को कहता इतिहास के कुनी पन्नों को खोलने की कोशिश मत करो भैया। आप क्या चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज उसको वापस सौंप दे, हिंदू समाज सनातन धर्म के लोगों को? सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा सबूत होगा सेक्युलरिज्म का, सौंप दे। नमाज पढ़ने के हिमायती है आप, जो मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने? देखो मंदिर में नमाज का क्या काम? अगर ये किसी पीर का पैगंबर की जगह है, अगर अजमेर शरीफ की तरह किसी महान पीर पैगंबर की जगह है तो पढ़नी चाहिए, जब है ही नहीं तो कैसे पढ़े? क्या मंदिर का अपमान हो?